नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आर्मेड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की तरफ से काफी अच्छी रिक्वायरमेंट दोस्तों आया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है और इसमें जो फोर्थ ईयर के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी निकल कर आई दोस्तों, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए आईटीआई या आपने डिप्लोमा या कोई डिग्री करके रखे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसीज है ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 271 पोस्ट आपका एजर आने वाले हैं। इस वैकेंसीज को लेकर काफी लोगों को कमेंट भी आ रहा था और बहुत सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ये वैकेंसीज क्या है और कैसे आपको अप्लाई करना है, कब तक लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने का, ये भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, सारी चीजें ऑफिशियल बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक आपको जरूर देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, avnl.co.in careers vacancy। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है करियर सेक्शन की और यहाँ पर देख सकते हो आर्मेड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप करियर सेक्शन पे आ जाओगे। ठीक है, और यहाँ पर जितनी भी इसकी तरफ से रिक्वायरमेंट है ये सारा नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसीज है वो उसका नोटिफिकेशन नंबर आपको यहाँ पर सीरियल नंबर 6 पर क्लिक करना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं भी जितनी भी वैकेंसीज अपने चैनल पर बताता हूँ वो सारे ऑथेंटिक होता है और आपको अगर नॉलेज नहीं होता है देन आप कमेंट कर देते हो कि ये वैकेंसीज फेक है तो ये है वो है, ऐसा आपको कमेंट नहीं करना दोस्तों। आपको नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं, आपको जानकारी पहले ले लेना चाहिए। ठीक है, आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ और इतनी एफर्ट लगाता हूँ, अपनी टाइमिंग को मैनेज करता हूँ और उसके बाद एक कमेंट आ जाता है कि वैकेंसीज फेक है, बहुत गुस्सा लगता है दोस्तों। तो इस तरह से आपको कमेंट नहीं करना, आपको नॉलेज नहीं है पहले आप नॉलेज इकट्ठा करिए देन इसके बाद आप कमेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट आपको बिना जानकारी को बिना मतलब कमेंट कर देते हो तो बहुत गुस्सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैकेंसीज है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 6 नंबर का जो वैकेंसीज है ये अभी जो रिक्वायरमेंट है इसका है। ठीक है, आपके सामने मैं इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। इससे पहले दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे ये तो फरवरी के वैकेंसीज है, 21 दिन तो वैकेंसीज खत्म हो गया, अब तो लास्ट डेट खत्म भी हो गया, अप्लाई करने कोई फायदा नहीं, बहुत ऐसे भी कमेंट आए दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसीज आपका 15 जून को रिलीज हुआ था, यहाँ पर डेट दे सकते हो और लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने का वो आपका 5 जुलाई तक। हालांकि ये जो वैकेंसीज है आपका ऑफलाइन भरा जाएगा दोस्तों, आपको पेमेंट वगैरह कैसे करना है सारे डिटेल्स अभी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और आपको कोई भी दिक्कत है पेमेंट को लेकर तो मुझे कमेंट करके बता सकता है, उसका स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा आपको पेमेंट कैसे करना है। तो ये वैकेंसीज है 15 जून को आया है और 5 जुलाई तक फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि 5 जुलाई तक आप इसको ऑफलाइन के माध्यम यानी कि इस पोस्ट के माध्यम से जो ऑफिशियल एड्रेस है उस एड्रेस पर भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने पीडीएफ को डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो फिर आप कमेंट करेंगे कि वैकेंसीज आपने फेक बताया। ठीक है, तो आपके सामने देखिए यहाँ पर क्लिक कर देना आपको सिंपली, तो थोड़ा सा टाइम देखिए, ऑलरेडी मैं दोस्तों ये वैकेंसीज का जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर चुका हूँ तो आपके सामने यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो नोटिफिकेशन थोड़ा ऑन हो रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन के बारे में आपको दोस्तों बता चुका हूँ और वीडियो में जाकर आप भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो कोई भी वैकेंसी दोस्तों मैं फेक नहीं बताता हूँ, आपको जानकारी नहीं है कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, बट आपको सारी चीजें जानकारी लेने के बाद आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं दोस्तों इसका एक वीडियो बना चुका हूँ, हमारे चैनल पे है, आप वहाँ से वीडियो के देख सकते हैं, नया भी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हालांकि ये सारे नोटिफिकेशन का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये वैकेंसीज आपका आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट के लिए 271 पोस्ट आपका नजर आने वाली है और आपको अप्लाई करने के लिए आपको 21 दिन का टाइम दिया गया है दोस्तों। सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है और ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो कि वहाँ पर आपको ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और इसका पेमेंट भी करना है दोस्तों आपको ऑनलाइन के माध्यम से, जो कि SBI के लिंक के थ्रू आपको पेमेंट करना है और एप्लीकेशन फी जो है वो आपको अटैच करके स्पीच पोस्ट के माध्यम से डॉक्यूमेंट सारे अटैच करके आपको भेज देना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है कैसे कहाँ आपको भेजना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हाउ टू अप्लाई में, तो सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका PDF डाउनलोड कर लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है,
या हम जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ऑफिशियल जो है वेबसाइट का लिंक आपको दे देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऑफलाइन भरना है दोस्तों। ये जो इसका एड्रेस है, द चीफ जनरल मैनेजर हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवाडी चेन्नई, इस एड्रेस पर आपको इस पोस्ट के माध्यम से भेजना है 21 दिन। देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये जो वैकेंसीज है वो आपका 16 जून को रिलीज हुआ है नोटिफिकेशन, आप उस दिन से 21 दिन जोड़ सकते हैं और 5 जुलाई तक आप इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं। ठीक है, 5 जुलाई तक इसके जो है ऑफिशियल जो एड्रेस दिया है उस एड्रेस पर इसका जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है सेंड कर देना अपने स्पेस पोस्ट के माध्यम से। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फ़ी भी रखा गया, आपको एप्लीकेशन फ़ी कैसे पेमेंट करना है। 300 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी है। सबसे पहले इनकी SBI की पोर्टल पे जाना है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जाना है, उसके बाद आर्मेट व्हीकल्स निगम लिमिटेड तमिलनाडु पे जाना है, उसके बाद पेमेंट कैटेगरी में HBF थिक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे आपको जाके एप्लीकेशन को पेमेंट को पे कर देना है 300 रुपये। आपको अगर कोई भी डाउट है पेमेंट करने में तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं एक पेमेंट का वीडियो आपको जो है अपलोड करके बता दूंगा, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके भी पेमेंट कर सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट इसका वीडियो चाहते हैं कि आपको एप्लीकेशन कैसे पे करना है SBI के थ्रू में, जो कि आर्मेट व्हीकल्स निगम लिमिटेड को पे करना है तमिलनाडु में, तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको वीडियो को देख के फॉलो करके आप स्टेप बाय स्टेप जो है पेमेंट भी कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा कमेंट आएगा इस वीडियो को लेकर तो मैं ज़रूर अपडेट कर दूँगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने दोस्तों बता दिया ऑलरेडी वीडियो में, और कोई भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। और मैं दोस्तों आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी चीज़ें जानकारी के बिना आप ऐसे कमेंट मत कीजिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हार्ट फील होता है दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों का इतना मेहनत करता हूँ और आपको बिना जानकारी के कुछ भी कमेंट कर देते तो बहुत बुरा लगता है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना दो। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैं बता दे दोस्तों, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।